पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। तू क्या कोई पुलिस है, वकील है, कोर्ट है तो तुझे मैं अपना केस सुनाऊं? सॉरी, पुलिस, वकील, कोर्ट, ये सारे लोग तेरे अगेंस्ट हैं। तुझे क्रिमिनल प्रूव करना चाहते हैं, ये तेरी हेल्प नहीं कर सकते। मैं ये सब कुछ इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता है कि अंशुमन पांडे ने तेरे साथ गलत किया है, तुझे फंसाया है, धोखा किया है तेरे साथ। और अगर तू मुझे सब कुछ बता देगा तो मैं धोखे से धोखे को काट सकता हूँ। अगर मुझे कुछ भी लूप होल मिलेगा तो उसके जरिए मैं अंशुमन पांडे तक पहुंच सकता हूँ और तुझे जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। Wait a minute, तू वही है ना जिसने जानबूझकर वो डील हारी थी डैड के लिए? It's okay, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिजनेस है, कभी जीत कभी हार, ये तो लगा रहता है। और जरूरी तो नहीं ना कि हर बार जीत ही हासिल हो। जिसने जानबूझकर वो बिडिंग हारी थी फॉर अंशुमन, फॉर ऑल आई नो तू उसी का आदमी है। क्यों तुझे मैं अपनी स्टोरी बताऊं, क्यों मैं तुझसे हेल्प लूं? क्या पता तू ये सब कुछ सुनकर मुझे ही फंसा दे। शौर्य, तेरी सोच ही गलत है, और जिसकी सोच ऐसी है ना वो यही सोच सकता है। मैं तेरी हेल्प करने आया हूं, तुझे बार बार बोल रहा हूं मैं ये। राजवीर मेरी हेल्प करने आया है, मैं इस जेल में हूं, इस सिचुएशन में हूं तो तेरी वजह से। हॉस्पिटल में गुंडे तुझ पर अटैक करने आए थे जिसकी वजह से मेरे डैड इन्वॉल्व हुए, उन पर भी अटैक हुआ, तब जाकर मैं इन्वॉल्व हुआ। मैंने उन गुंडों का पीछा किया, तब जाकर मैं अंशुमन पांडे के घर पहुंचा और वहां से अंशुमन ने गेम्स खेली और मुझे यहां तक पहुंचा दिया। पता है रीजन कौन है राजवीर? तू। तेरी वजह से मैं यहां पर हूं। जिसने फंसाया है वही बचाने आया है। वाह, अमेजिंग। सॉरी सॉरी, कभी तो भाई की तरह बात कर लिया कर। ओ प्लीज राजवीर, तू अंशुमन पांडे का भाई ही ठीक है, मेरा भाई तो तू कभी हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा था तू अभी? मेरे अंदर वो गुस्सा, हेट, एंगर, रिवेंज, जिसकी वजह से शायद मैंने वो क्राइम कर दिया। यू नो इट बेटर, अंशुमन पांडे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो मेरे डैड का राइवल है, वो तो मौका ढूंढ रहा था मुझे फंसाने के लिए। पर राजवीर, तेरी वजह से मैं यहां हूं। यू आर द रियल रीजन कि मैं इस जेल में आया, कि मैं वहां गया और फंस कर यहां पर आया। चल एक काम कर, तू मुझे बता और सच सच बताना, डिटेल में बताना कि आखिर अंशुमन पांडे ने तुझ पर क्यों अटैक किया? तू तो उसका ही आदमी था ना? मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर अंशुमन ने तुझ पर अटैक क्यों किया? मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मैं अपने डैड से प्यार करता हूं, मैं उनकी नजर में अपने आप के लिए प्यार देखना चाहता हूं, रिस्पेक्ट देखना चाहता हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता राजवीर कि मेरे डैड इस लायक है भी या नहीं। मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस लायक है भी कि नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि मेरे डैड ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत गलत है। क्या किया? नहीं, करण सर ने क्या किया? अरे तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, अब अपने अपने डैड से भी हेट करने लगा तू। तुझे भी तो मेरे डैड से इतनी नफरत थी, अब क्या हुआ, उनसे मोहब्बत हो गई? एक सेकेंड, मोहब्बत से याद आया, आखिर मेरे डैड और तेरी मासी का क्या चक्कर है? हाँ, आखिर ऐसा क्या है जो तेरी मासी और मेरे डैड के बीच में? कोई सीक्रेट अफेयर, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई प्यार, कोई आशा? प्लीज Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।